हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ नवरात्रि स्पेशल एक ऐसी डिश जिसे खाकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और बनाने तो इतनी आसान है कि आप उसको रोज़ बना के खाइएगा। ज़्यादातर क्या होते हैं फ्रेंड्स, हम नवरात्रि में सिंगाड़े का आटा खाते हैं, या फिर खीर खाते हैं, या फिर आलू बॉयल करके हम कुछ इस तरह से खाते हैं, लेकिन एक जैसी चीज़ खा के हम उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो वही सब मैं ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी डिश जो आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्यारी सी डिश। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया है एक कुकर ले लिया, उसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाल दिया। फिर थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना है ताकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो तेल को गर्म करते ही उसी के साथ चुटकी भर हींग डाल देनी है, और थोड़ा सा डाल देना है, हाफ टी स्पून ज़ीरा डाल देना है। तो लीजिए, ज़ीरा भी डाल दिया, और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा अदरक को कस करके इसके अंदर डाल दिया। तो हम तीनों चीज़ों को अच्छे से गरम कर लिया है, और अच्छे से तेल छुड़ाने के साथ ही मैंने डाल दिया है दो टमाटर मीडियम साइज़ के, और टमाटर को अच्छे से हम इसके तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे, और जब तक कि तेल इसका ऊपर ना आ जाए। तो लीजिए, तेल भी एकदम से ऊपर आ गया है, और टमाटर बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसी के साथ थोड़े से मसाले डाले जाते हैं। मसालों में मैंने ले लिया हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ले लिया, और थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली। तो अब इन सब मसालों को डाल देंगे इसके अंदर, और अच्छे से करते हैं मिक्स। तो लीजिए, जैसे ही मैंने मसाले डाले और इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो अब इसको अच्छे से मैं एक बार चला देती हूँ, और साथ ही में मैंने लौकी डाल दी, हाफ के जी लौकी है, और मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, और इसको बढ़िया सा चला लेते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी आँच को मीडियम रखना है आपको, और यहाँ पे अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक अपना टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए। और अब कुकर के ढक्कन को कर देंगे बंद, और इसके अंदर फ्रेंड तीन सीटी दिलवा दीजिएगा। आप तीन सीटी दिलवाने के बाद स्टीम को इसी के अंदर रहने देना है। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलती हूँ तीन सीटी के बाद। और यहाँ पे हम आपको खोल के दिखा देती हूँ, और ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया रुई की तरह हमारा जो लौकी है वो भी बहुत अच्छे से गल गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी ही बढ़िया आ गई है, और कलर तो देखिए इसका कुछ जवाब ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया बना है फ्रेंड। अब क्या करना है आपको, इसको मैं डिश आउट करके दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से देखिए। इस तरह से सब्जी बनाइए और खाइए, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे कर लीजिए, और ऊपर से थोड़ी सी ना हरी मिर्ची काट के डाल दीजिए फ्रेंड्स। इतना टेस्टी लौकी की सब्ज़ी आप भूल जाइएगा, जो आपको पहले जिस तरह से बनानी आती है आप उस मेथड को भूल के आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, आप देखिए सिनेमैटिक शॉट, मैं मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।